हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव नारी में। फ्रेंड, आज हम एक कलर में स्वेटर का डिजाइन सीखेंगे। ये डिजाइन आप कारीगन में, ब्लाउज में बनाइएगा, बेबी फ्रॉक में बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये डिजाइन। ये डिजाइन बनाने के लिए फंदा लीजिएगा, तो आपको जितना भी फंदा लेना होगा उतना लीजिएगा, क्योंकि ये डिजाइन एक एक फंदा में बनता है। तो बॉर्डर भी आप अपने मनपसंद जो भी डालना होगा, नीचे बॉर्डर बनाने के बाद ये सीधा साइड है, तो सीधा साइड से यहाँ से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड, ये डिजाइन आपको अच्छा लगेगा और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगेगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। और मेरे चैनल पर पहले से हैं तो धन्यवाद, अगर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से डिजाइन को शुरू कर रहे हैं। तो सीधा साइड है, सीधा साइड से हम इसको हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट वाले फंदा को स्लिप किए हैं, उसके बाद हम ये सीधा साइड से एक सिलाई हम सीधा बुन लेंगे। तो जब भी आप बॉर्डर बनाइएगा तो सीधा साइड से एक सिलाई पहले सीधा बुन लीजिएगा, उसके बाद उल्टा साइड से डिजाइन को शुरू करेंगे। ये डिजाइन कुछ अलग है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, फर्स्ट वाले फंदा को स्लिप कर रहे हैं, ये चार सिलाई का डिजाइन है, और यहाँ से देखिए एक फंदा ये दूसरा फंदा ले रहे हैं, ये उल्टा साइड से बनाना है। तो उल्टा साइड से आप इसी तरह हर एक फंदा में डबल फंदा लीजिएगा। और देखिए इस तरह से लीजिएगा ना, तो कोई भी फंदा आप बाद में बड़ा छोटा नहीं होगा, इस तरह से एक बराबर में आएगा ये। ये डिजाइन का पहला सिलाई है, एक सिलाई ये पूरा हो गया। लास्ट वाले को ये डबल फंदा नहीं, ये सिंगल फंदा लीजिएगा इसमें। अब सीधा साइड से बनाएंगे, तो सीधा साइड से इसको हम स्लिप कर रहे हैं, इस फंदा को हम आगे लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो है डबल फंदा वाला है, इधर हर एक फंदा में बना हुआ है डबल फंदा, तो इसको इस तरह से स्लिप करेंगे और इस फंदा को इसके ऊपर से ऐसे लेंगे। जो फंदा हम ये ले रहे हैं इसको बुनना नहीं है, इसके ऊपर से ये फंदा को इस तरह से लाना है। ये सीधा साइड से हमें बना रहे हैं, लास्ट वाले फंदा को बुन लेना है। ये डिजाइन का दो सिलाई बन गया है। अब तीसरा सिलाई देखिए, यहाँ पे इस फंदा को स्लिप किए और इस फंदा को हम आगे लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके ऊपर से जो हम फंदा लाए हुए हैं और ये फंदा है, इसको भी हमको बुनना नहीं है, इसको स्लिप करना है,
तो ये स्लिप कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऐसे करिएगा, फिर इसके ऊपर से ये फंदा को लीजिएगा और इस सिलाई को फिर इसके यहाँ से नहीं, इसको सीधा ऐसे लाइएगा, फिर इसके ऊपर से ये फंदा को इस तरह से लाएंगे। फर्स्ट वाले फंदा के चौथा सिलाई हम बना रहे हैं, तो फर्स्ट वाले फंदा को स्लिप कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ ये तीन है, एक फंदा हम स्लिप किए हुए सो है, दो फंदा ऊपर से लाए हैं सो है, तो अब इस तीनों फंदा को हम यहाँ से सीधा साइड से बना रहे हैं, इसको हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए ये तीन है, ये दो फंदा ऊपर से लिए हैं सो है, एक फंदा जो स्लिप किए हैं ये बड़ा वाला, अब तीनों को हम यहाँ से एक फंदा बनाएंगे। ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला भी यहाँ एक फंदा छोड़कर ये तीन फंदा को एक फंदा बना लेना है। अब लास्ट वाले को हम सीधा बुनेंगे। ये चार सिलाई बन गया है। अब देखिए यहाँ पांचवा सिलाई जो बनाइएगा वो उल्टा साइड से इसको सीधा बनाइएगा। तो देखिए यहाँ एक डिजाइन ये बन गया है। अब दूसरा डिजाइन बनाने के लिए आप यहाँ से फिर यहाँ से सीधा बुनिएगा। अब सीधा साइड से जो पहले हम बुने हैं फर्स्ट सिलाई, उसी तरह आप सीधा बुनिएगा, उल्टा साइड से डिजाइन को शुरू कीजिएगा। ये सीधा साइड से बना लिए हैं, उल्टा साइड से फर्स्ट वाले फंदा स्लिप करेंगे। अब हर एक फंदा में डबल फंदा इस तरह से लेना है।
ये पूरी सिलाई हर एक फंदा में डबल फंदा लेना है। जो लास्ट वाला है इसमें सिंगल फंदा से बुन लेना है इसको। और यहाँ से देखिए ये फंदा आगे लाना है और जैसे हम पहले बनाए थे उस तरह से इसको फिर इस तरह से लाइएगा। तो दूसरा डिजाइन यहाँ बनेगा। अब फिर उल्टा साइड से भी हम बुनेंगे नहीं, इसको फिर फंदा को इसी तरह से लपेटेंगे। फंदा आगे करेंगे। अब यहाँ देखिए जैसे दो फंदा है, दो फंदा को इस तरह से स्लिप करेंगे, ऊपर से फंदा लेंगे। दो सिलाई आपको बुनना नहीं है, ऊपर से फंदा लेकर आना है इस तरह से। लास्ट वाले फंदा को बुन लेना है। फिर देखिए यहाँ से ये तीन का एक बनाएंगे, फिर यहाँ तीन का एक। तो देखिए दो डिजाइन बनने के बाद इस तरह से बनेगा। आगे हम बनाए हुए हैं, ये बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। आप इसको कारीगर में बनाइए, फ्रॉक में बनाइएगा, ब्लाउज में बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये डिजाइन। तो फ्रेंड ये डिजाइन आपको अच्छा लगेगा और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ।